नमस्कार बच्चों, ठीक है बच्चों, असी क्लास 11th द चैप्टर 15, ओके। तो बच्चों नाम है स्टैटिस्टिक्स, ओके, ये कर रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों असी पहले ही ये पढ़ चुके हैं कि डाटा किन्नी प्रकार का होंदा, ओके, क्लियर। आप देखिए बच्चों, डाटा बच्चों दो प्रकार का होंदा, एक अनग्रुप डाटा तो दूसरा बच्चों ग्रुप डाटा। तो बच्चों ग्रुप डाटा के अगे फिर दो टाइप्स है, नंबर वन बच्चों डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो नंबर टू बच्चों कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो बच्चों इन्हां वास्ते, इन्हां डाटे वास्ते असी पहले ही ये पढ़ चुके हैं कि हाउ वी कैन फाइंड मीन एंड मीडियन, ठीक है। फिर बच्चों आपां देखिया कि मीन ते मीडियन, ओके, सानू डेटे बारे जो भी दिंदे इन्फॉर्मेशन बच्चों अधूरी हुंदी, सानू कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बच्चों डेटे बारे नहीं मिलती। सानू एक होर टूल चाहिदा ये देखने वास्ते कि थोड़ा डेटा किन्ना वेरिएबल है, किन्ना उहदे च वेरिएबिलिटी किन्नी है, किन्ना स्कैटर्ड है, ओके। तो बच्चों वो टूल आपां देखिया कि सानू टूल मिले बच्चों एक रेंज दे रूप च आपां देखिया, ठीक है। असीं देखिया रेंज किदां आपां लभदे, पहले देख चुके। फिर आपां बच्चों आपां मीन डेविएशन, दूसरा टूल है बच्चों मीन डेविएशन। तो बच्चों पहले असीं निकालिया मीन डेविएशन, पहले ही पढ़ चुके भी मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। तो बच्चों अज आपां पढ़ रहे हैं मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, ठीक है। तो बच्चों एक कहना डाटा, हाँ, दिस इज अनग्रुप्ड डाटा बच्चों, ठीक है। तो फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन फॉर द फॉलोइंग डाटा, ओके, क्लियर। तो हूँ देखो बच्चों किदा फाइंड आउट करना। बच्चों पहले आप लभांगे मीडियन इस डाटे का, ठीक है। थोनों पता बच्चों असी पहले ही देख चुके जो अनग्रुप डाटा हो जे बच्चों आप उस अनग्रुप डाटे का मीडियन फाइंड आउट करना हो बच्चों पहले असी उस डाटे को असेंडिंग ऑर्डर लिखीदा, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो हाँ देखो द गिवन डाटा इज द गिवन डाटा इज 3, 9, 5, 3, 12, ठीक है बच्चों 10, 18, 4, 7, 19, 21, ओके, क्लियर बच्चों। इन असेंडिंग ऑर्डर लिखो, शाबाश, इन असेंडिंग ऑर्डर। पहले बच्चों सब तो छोटा, फिर उस तो बड़ा, फिर उस तो बड़ा। तो बच्चों पहले ये आ गया 3, तो बच्चों एक और 3 है, दूसरा भी 3 आ गया, है ना, ठीक है बच्चों। फिर आ गया अपने को 4, आ देखो बच्चों 4, फिर बच्चों अपने को आ गया कितना जी 5, ये 5 भी लिखा गया, ठीक है बच्चों। फिर अपने को आ गया 7, ये 7 भी लिखा गया बच्चों, ठीक है। फिर बच्चों अपने को देखो उस तो बाद ये 9 भी बच्चों लिख लिया, ठीक है। फिर बच्चों अपने को आ गया 10, बच्चों पर 10 भी लिख लिया। फिर बच्चों अपने को आ गया 12, हाँ 12 भी बच्चों लिखा गया, ठीक है बच्चों। फिर अपना देखिया उस तो बाद बच्चों आया अपने को 18, बच्चों 18 लिख लिया। फिर बच्चों पर देखिया उस तो बाद बच्चों 19, तो फिर बच्चों अगला 21। देखो हरेक दे ऊपर टिक लग गई, इहदा मतलब है कि थोड़ी तुसीं सारिया एंट्रीज नीचे लिख ली हैं, ओके, क्लीयर। तो हूँ बच्चों इस तो बाद ये लिख लिया, हूँ देखो तो देयरफोर नंबर ऑफ टर्म्स किनिया बोली, पहले देखो किनिया, ओके, क्लियर। देखो बच्चों 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, बच्चों 11, ठीक है। ये बच्चों क्या है ओड, बच्चों असी पहले ही पढ़ चुके भी जो नंबर ऑफ टर्म्स ओड होना दैन देर विल बी सिंगल मिडल टर्म, एंड इफ द नंबर ऑफ टर्म्स आर इवन देन देर आर टू मिडल टर्म्स, ओके, क्लियर। हाँ जी, देयरफॉर बच्चों, देयरफॉर हूँ बच्चों एक किन्ना आना मीडियन, मीडियन इक्वल टू, देखो बच्चों ओड है ना, ठीक है। तो सानू पता जो ओड हो नंबर ऑफ टर्म्स तो आप कि निकालते बच्चों मिडल टर्म, 11 + 1/2 ऑब्जर्वेशन, इन भी लैनी ये मीडियन है बच्चों, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन, ठीक है। कितनी बोलो जी, इक्वल टू ये आ गई 6th ऑब्जर्वेशन, 6th ऑब्जर्वेशन, बच्चों कितनी बोलो जी, और 6th ऑब्जर्वेशन देखो कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
ये बच्चों 9, इट इज इक्वल टू 9, ये बच्चों अपना मीडियन है, क्या बोलो जी, मीडियन। देयरफॉर बच्चों एम कितना आया, मीडियन इट इज इक्वल टू, ये बच्चों अपने को आ गया 9। हुण बच्चों असी एक टेबल बनाने, ठीक है, वो टेबल देखो कि बनाना अपने, देखो तुसी इत्थे बच्चों लो एक्स आईस, इदा कर थोड़ा लिखने बच्चों एक्स आईस, ठीक है, लिखना बच्चों असेंडिंग ऑर्डर, यही लिखना पाई, ठीक है, क्लियर। आ देखो बच्चों 3, ये फिर बच्चों 3, ये बच्चों अपने को 4, ठीक है जी, ये बच्चों अपने को 5, ये बच्चों अपने को 7, ये बच्चों अपने को 9, 10, 12, 18, 19 ते 21, ठीक है बच्चों, ओके क्लियर। हुण बच्चों अपने को आ गया, इस तो बाद तुसी ए लेना हुण डेविएशंस फ्रॉम मीडियन या अबाउट मीडियन, बच्चों ए डेविएशन अबाउट मीडियन, अबाउट मीडियन एक्स आई माइनस एम, एम सानू पता बच्चों कि 9 है, किन्ना जी 9। अच्छा बच्चों 3 तुसी नाल के लेना बच्चों जी एब्सोल्यूट वैल्यू, तुसी मतलब डेविएशन लेनी एक्स आई दी अबाउट या फ्रॉम मीडियन, पर बच्चों उदी लेनी क्या बोलो जी एब्सोल्यूट वैल्यू, इदा मतलब यह है कि जिथे नेगेटिव आवे बच्चों उन्हें स्किप कर दियो, ठीक है। हुण 3 माइनस 9 ना बच्चों माइनस 6, तो आप लगावे बच्चों 6, ये भी बच्चों 6, 4 माइनस 9 बच्चों माइनस 5, बच्चों 5, ए 4, ए बच्चों 2, ए 0, 1, हाँ जी 3, अगे बच्चों 9, अगे बच्चों 10, तो ए 12, इदा बच्चों अपना बाद चो क्या निकालना, सम निकालना बच्चों, क्या निकालना सम। हुण बच्चों असी इदा निकालांगे बच्चों सम, क्या निकालांगे सम डेविएशन दा। हुण देखो बच्चों करो, ठीक है, तो देखो बच्चों 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 5 17, 17 प्लस 4 बच्चों 21, 21 प्लस 2 बच्चों 23, 23 प्लस 1 बच्चों 24, 24 प्लस 3 बच्चों 27, 27 प्लस 9 हाँ जी 36, 36 प्लस 10 किन्ना जी 46, 46 प्लस 12 58। पर तुसी बच्चों हजे तक लिखना नहीं, मैं थोनों पहले भी दसिया लैक्चर च भी तुसी इनू चैक करना, पर चैक हुण जे तुसी बच्चों इदा सम कीता ना तेनू रिवर्स आर्डर चैक करो, रिवर्स आर्डर च, ठीक है। हुण देखो बच्चों 12 प्लस 10 22, 22 प्लस 9 किन्ना बच्चों जी हाँ 31, 31 प्लस 3 34, 34 प्लस 1 35, 35 प्लस 2 किन्ना बच्चों जी 37, ओके क्लियर। 37 प्लस 4 किन्ना बच्चों जी 41, 41 प्लस 5 46, 46 प्लस 6 52, तो 52 प्लस 6 58, इहदा मतलब साडा सम बिल्कुल सही है, ठीक है। तुसी बच्चों ये निशान लगाने नहीं पेपर च ना जदों करना होवे, बस ये तुहानू मैं एक तरीका दस्सिया भी तुसी किद्दां पहले नीचे सम कर लो तो फिर बच्चों उपर कर लो उपर नूं, जे थोड़ा दोनों सम बराबर आ गए ना ये सोच लो थोड़ा जिहड़ा तुसी सम कीता ना वो सारा सही है, ठीक है जी। ये बच्चों अपने कोल कितना आ गया, इट इज़ इक्वल टू 58, ठीक है। तो देयरफॉर हुण देखो बच्चों, देयरफॉर देयरफॉर समीशन, ठीक है बच्चों, आई इज इक्वल टू 12, देखो टोटल टर्म्स यहां बच्चों अपने को किन्ने जी, किन्ने बोलो जी, ये सी अपने को 11, आई इज इक्वल टू 12 11, हाँ जी बच्चों एक्स आई माइनस एम इट इज इक्वल टू 58, किन्ना जी बच्चों 58, कोई डाउट तो नहीं बच्चों। हुण अपन निकालना देयरफॉर, हाँ जी लिखना किदा लिखेंगे बच्चों अपना, देयरफॉर मीन डेविएशन अबाउट, हाँ जी ए मीडियन, अबाउट मीडियन, ठीक है बच्चों, इट इज इक्वल टू, ओके क्लियर, किन्ना बच्चों जी 1 ओवर n, ठीक है जी, समीशन आई इज इक्वल टू 1 टू n, हाँ जी बच्चों एक्स आई माइनस किन्ना बच्चों जी एम, ठीक है जी, ए बच्चों 1 ओवर n सानू पता किन्ना बच्चों जी 11, किन्ना जी 11, तो सम बच्चों सानू पता किन्ना है जी इट इज 58। हुण देखो बच्चों इदा करो 5, ठीक है 3 है तो ये बच्चों 2 आ गया, ओके क्लियर, ठीक है 8, तो बच्चों ये आ गया अपने को 7,
ये बच्चों अपना क्या गया मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। बच्चों सिंपल जहा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली गल नहीं, ठीक है। तो हूँ बच्चों देखो ये सगा फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। देखो पहले डाटा, ये डाटा बच्चों पछाणो डाटा कड़ा है, ये डाटा बच्चों अपने को अनग्रुप्ड डाटा, ठीक है। तो सानू पता बच्चों सब तो पहले सानू निकालना पैना मीडियन, तो थानू पता आपां किदां निकालदे असीं बच्चों डाटा नूं करदे आपां लिखदे बच्चों इन असेंडिंग ऑर्डर च, असेंडिंग ऑर्डर च फिर देखीदा बच्चों नंबर ऑफ टर्म्स ठीक कि नहीं हैगियां। तो बच्चों वो नंबर ऑफ टर्म्स जिहदा बच्चों ओड आई हैं, है ना, जिहदा इस केस ओड है, तो बच्चों आपां निकाली उहदी मिडल टर्म, ओके क्लीयर, ठीक है। तो बच्चों वो आई नाइनथ, है ना, सॉरी हाँ सिक्सथ, तो सिक्सथ जिहड़ी ऑब्जर्वेशन अपने को सिक्स ऑब्जर्वेशन बच्चों नाइन आई, यही अपना क्या बोलो जी रिक्वायर्ड मीडियन है। तो बच्चों फिर उस मीडियन तो असी इस डेटा की कह ली डेविएशन, तो बच्चों बाद चो सम किया, ओके, तो ओवर एन करता, तो बच्चों ये है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। हाँ जी बच्चों हूँ असी बच्चों निकालेंगे फाइंड द मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन फॉर द फॉलोइंग डेटा। बच्चों ये डाटा देखो एक्स आई है तो नाले एफ आई है, ओके क्लीयर। तो बच्चों ये सानू पता लग गया होना भी ये बच्चों हैगा डिस्क्रीट डिस्क्रीट फ्रीकुएंसी डिस्ट्रीब्यूशन। असी बच्चों दो काम करने, एक तो क्वेश्चन भी करना बच्चों, ठीक है, तो नाल बच्चों असी करना क्या नाले आप बच्चों दसना भी है भी ये क्वेश्चन आप करना कि फॉर्मूला कि करना जी कि, ठीक है। देखो बच्चों मैं तुम्हें दसदा, थानू पता भी डिस्क्रीट जो हों बच्चों अपने को, ठीक है, वो अपने को देखो एक्स आई है ना, ठीक है क्लीयर। तो उत्थे बच्चों जी कि कि बोलो हूँ जी इतने एफ आईज कि जी देखो एक एक्स आईज नाले बच्चों जी एफ आईज हो, मान लो अपने को इतने अपने को आ गया एक्स वन, ठीक है, एक्स टू एक्स थ्री एंड सोन, बच्चों इतने अपने अपने को आ गया एक्स एन, इतने बच्चों एफ वन, ठीक है जी, ए बच्चों एफ टू अगे एफ थ्री एंड सोन एफ एन, है ना, ये सानू डाटा गिवन है जिदा, ठीक है। थानू पता बच्चों असी किदा निकालदे क्लीयर, ठीक है, तो पहले असी बच्चों एफ आई एक्स आई निकालदे, थानू पता सारा, ठीक है, तो इतने बच्चों आना एफ वन एक्स वन एंड सोन, तो बच्चों इतने एफ एन एक्स एन, ठीक है। बच्चों ये अपना आ गया समीशन कि जी एफ आई एक्स आई आई बेरिंग फ्रॉम वन टू एन। बच्चों ये अपना क्या आया, वट इज दिस, ये बच्चों अपना सम जो सम आ गया ना, फिर आप बच्चों निकालते इतने मीन, असी पहले ही बच्चों देख लिया, थोड़ा एक बार फिर रिवाइज कर देना, बच्चों मीन हों वन ओवर एम एन, ठीक है, समीशन क्लीयर आई इज इक्वल टू वन टू एन कि बोलो जी एफ आई, हाँ जी, तो नाले एक्स आई, ये तो बच्चों मीन है ना, चलो इन आप देर फोर कि बोलो जी मीन आ गया, ठीक है, अपने को एक्स बार देर फोर एक्स बार कह लिया, ठीक है बच्चों इन वन ओवर एन, ठीक है, समीशन आई इज इक्वल टू वन टू एन क्लीयर एफ आई तो एक्स आई। हूँ इस तो बाद बच्चों क्या करना भी देखो ये अपने को एक्स आई है, देखो हूँ असी साढ़े को एक्स आई बच्चों, ठीक है, एक्स आई असी इतने लिख लिया बच्चों एक्स आई उही एक्स वन एक्स टू एंड सोन बच्चों कि जी एक्स एन, ठीक है। अगे बच्चों अपने को एफ आई है असी लिख लिया बच्चों एफ वन एफ टू सोन बच्चों कि जी एफ एन। उस तो बाद असी बच्चों निकालना क्या एक्स आई माइनस एक्स बार, ये निकालना अपने बच्चों, ठीक है, ये इधर बच्चों नीचे आ जाना, ठीक है। फिर बच्चों अपन निकालेंगे कि जी कि बोलो जी एफ ओफ एक्स आई माइनस एक्स बार, ये बच्चों ठीक है निकालना अपना टेबल च, ठीक है। तो ये बच्चों अपना टोटल एफ आई है ना, ये बच्चों निकालना अपना समीशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार, ठीक है बच्चों। हूँ ये निकाले आपने, ठीक है, तो देर फोर फिर बच्चों अपना बाद विच आएगा मीन डेविएशन अबाउट मीन, बच्चों कितना आएगा वन ओवर एन, ठीक है बच्चों, समीशन आई इज इक्वल टू वन टू एन कितना बोलो जी एफ आई, तो बच्चों एक्स आई माइनस एक्स बार। हूँ बच्चों देखो ध्यान नाल सुनो मेरी गल, सब तो पहले ये है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मैं थोड़ा बच्चों दोबारा रिवाइज करता भी हाउ वी कैन फाइंड मीन, पहले बच्चों एक्स आई, ठीक है, ओके बच्चों फिर ए एफ आई, ओके क्लीयर, ठीक है। तो बच्चों इतने ना एक्चुअली असं इदा करते हैं, आप मोस्टली इतने कैपिटल एन यूज करते, तो बच्चों असं इदा करते हैं, इतने आप वन बाय एन
कैपिटल लेना बच्चों, ठीक है क्लीयर। तो इतने बच्चों आप वन बाय एन कैपिटल एन ने बच्चों, ठीक है क्लीयर। तो ये बच्चों कैपिटल एन क्या है, बट इज कैपिटल एन, कैपिटल एन क्या है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी सारा, ठीक है। आई इज इक्वल टू वन टू एन, आई इज इक्वल टू वन टू एन ना बच्चों एफ आई, ठीक है। ये बच्चों अपन निकालिया, देखो ये एन आ गया सम इधर इतने, ठीक है बच्चों इधर सम ऑफ फ्रीक्वेंसी का। ये बच्चों समीशन ले लिया अपना, तो ये बच्चों अपना क्या आ गया, मीन आ गया, क्या आ गया मीन। उस तो बाद फिर बच्चों असी उस मीन तो लेनी है डेविएशन दी एब्सोल्यूट वैल्यू, एक ख्याल रखियो बच्चों जे नेगेटिव आ जाए तो स्किप कर देना, ठीक है। तो ये ले लिए बच्चों अगले टेबल क्या बनना, बोलो जी एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार। जो तो बच्चों ये देखो अपने को ए बच्चों सम लेना आप, सम ऑफ ए है सम ऑफ डेविएशन, ओके क्लियर, ठीक है। तो लैके बच्चों तो उन्होंने करना बच्चों एन नाल डिवाइड टोटल, ठीक है। तो आ गया बच्चों अपने को मीन डेविएशन अबाउट मीन। हाँ जी बच्चों हूँ आप क्वेश्चन करते हैं, ठीक है क्लीयर। तो देखो क्योंकि आप लगना फाइंड द मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन, पहले साडा बच्चों काम क्या है, मीन फाइंड आउट करना, ठीक है। हाँ देखो इतने बच्चों एक्स आई, ठीक है बच्चों इतने अपना कहना जी एफ आई, थोड़ा हूँ ही बच्चों सारा मैं टेबल समझाया, ठीक है चंगी तरह। देखो एक्स आई अपने को बच्चों कहना जी टू अगे फाइव फिर सिक्स फिर एट फिर टेन तो फिर बच्चों कहना जी ट्वेल्व, ठीक है बच्चों। एफ आई कि जी फ्रीकुएंसी टू एट टेन सेवन बच्चों अगे एट तो नैक्सट फाइव, ठीक है बच्चों। ए अपने को कैपिटल एन, ठीक है हाँ ए सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है करो बच्चों ऐड। टू प्लस एट टेन, टेन प्लस टेन ट्वेंटी, ट्वेंटी सेवन थर्टी फाइव तो फोर्टी। पर लिखना नहीं, पहले चेक करो रिवर्स ऑर्डर, फाइव प्लस एट थर्टीन, थर्टीन प्लस सेवन ट्वेंटी, थर्टी 38, 40, बिल्कुल सही है। तो ये बच्चों अपना कितना आ गया जी 40, ठीक है बच्चों। इस तो बाद असी करना क्या, इतने पर लेनी बच्चों प्रोडक्ट फ्रीकुएंसी के नाल एक्स आई दी, ठीक है जी। हुण बच्चों कितना आ गया अपने को, ये 4, हाँ जी 40 बच्चों 60, हाँ जी बच्चों 56, हाँ जी जी 80, नेक्स्ट बच्चों 60 बच्चों। इधर हूँ बच्चों ये सम करना अपने, ठीक है। ये अपने को समीशन एफ आई एक्स आई इक्वल टू, ठीक है बच्चों 4 प्लस 6 10, ठीक है जी। तो अगे बच्चों 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 5 15, अगे बच्चों जी 23, 29 तो ये बच्चों 1300, ठीक है। एक बार बच्चों चेक भी कर लेने वैसे, ठीक है। हूँ देखो बच्चों पहले 6 प्लस 4 10, ठीक है क्लियर। अगे 6 प्लस 8 14, 19, 25, 29, 1300, ठीक है बच्चों बिल्कुल सही है, ठीक है। हूँ बच्चों देर फोर इतने पहले निकाल लो, देर फोर पहले निकालो बच्चों तुसी मीन, मीन है ना लिखते बच्चों पाई नू कि एक्स, ठीक है। ये आता बच्चों 1 ओवर एन तो समीशन आई इज इक्वल टू वन टू एन एफ आई एक्स आई, ठीक है बच्चों निकाल लिया मीन, ठीक है। देयर फोर एक्स बार है ना लिख दे एक्स बार मीन, तुम्हें पता बच्चों वन बाय एन किन्ना किन्ना जी, हाँ जी वन बाय एन अपने को है बच्चों 40, ठीक है। तो ये बच्चों किन्ना है अपने को 300, 300 ये बच्चों किन्ना गया। देयर फोर एक्स बार 30 ओवर 4 बच्चों बोलो कितना आया, ठीक है जी ए 7.5 आया। ये अपना बच्चों मीन आ गया, क्या आ गया मीन। हूँ बच्चों असी हूँ उही डेविएशन निकालनियाँ, पहले तो देखो पहले पर करना बच्चों एक्स आई माइनस एक्स बार, ठीक है। तो लेनी बच्चों आप एब्सोल्यूट वैल्यू है, ठीक है। हूँ देखो अपना एक्स आई है ना, ठीक है। हूँ बच्चों कितना आया, पहले बच्चों आया अपना 5.5, वैसे तो नेगेटिव आया पर क्योंकि आप लेनी एब्सोल्यूट वैल्यू तो स्किप कर देना नेगेटिव आप, ठीक है। फिर बच्चों अपने को ना आया जी 2.5, फिर बच्चों अपने को कितना आया जी बोलो 1.5, ठीक है। फिर बच्चों कितना आया अपने को कितना जी 0.5, फिर बच्चों अपने को कितना आया देखो 2.5,
तो नैक्सट बच्चों कितना है अपने को, हाँ जी 4.5। ठीक है बच्चों, हूँ असी करना क्या, इतने फिर एफ आई तो एक्स आई माइनस एक्स बार सम। ठीक है बच्चों, हूँ तुम गुणा करनी करना मल्टीप्लाई, बच्चों कितना आ देखो 11 बिल्कुल सही गल है, 16 तो 4 20 बच्चों 20 ओके क्लियर। ए बच्चों सीधे कितना आ गया बोलो जी 15। ठीक है अगे नेक्स्ट बच्चों कितना जी 3.5 बच्चों कितना आ गया, इट इज 20। ठीक है नेक्स्ट बच्चों कितना जी, हाँ जी 22.5। ए है टोटल क्या बोला डेविएशन। हूँ बच्चों निकालना पा समीशन, हाँ जी आई इज इक्वल टू 1 to n, एफ आई नाल बच्चों कितना जी एक्स आई माइनस एक्स बार सम ऑफ क्या बोलो जी डेविशन। ठीक है हूँ बच्चों सम कितना आया देखो ध्यान नाल, एक देखो पहले बच्चों जी 5 5 10 ये 0 आ गया बच्चों नाल आ गया 1। ठीक है अपने को, ठीक है हूँ देखो बच्चों 1 + 5 कितना जी 1 + 5 6 6 3 कितना बच्चों जी 9 9 ते हाँ 9 ठीक है, ठीक है तो 9 ते 11 है ना क्लियर। ठीक है 11 ते बच्चों 12 2 आ गया कितना जी बच्चों जी 12। ठीक है बच्चों अगे देखो हूँ 1 + 2 3 3 + 1 4 4 + 2 6 तो 6 + 2 8 तो 1 हासिल जी 9 आ गया 92। ये बच्चों सम कितना गया 92। हूँ देर फोर हाँ हूँ बच्चों बिल्कुल ये है बच्चों मीन डेविएशंस फ्रॉम मीन ओके क्लियर जा अबाउट मीन। ठीक है अबाउट मीन कह लो। ठीक है बच्चों सानू पता 1 ओवर किन्ना बोलो जी एन, हाँ जी समीशन I इज इक्वल टू बेरिंग फ्रॉम 1 to n ना बच्चों कितना जी एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार ओके बच्चों। ठीक है तो देयर फोर बच्चों मीन डेविएशन अबाउट मीन इट इज इक्वल टू 1 ओवर n बच्चों n आ देखो ये बच्चों अपने को n है कितना जी 40 ये 40 आ गया बच्चों इंटू ए बच्चों आ गया अपने को 92। ठीक है बच्चों कितना आ गया हूँ देखो 4 8 बच्चों 1 ते 4 3 12 ओके क्लियर। ठीक है तो नाल बच्चों लग गया 2.3। ए बच्चों अपने को क्या बोलो जी क्या दिस इज द मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बच्चों देखो सिंपल है पहले एक्स आई फिर बच्चों एफ आई तो बच्चों उन्होंने प्रोडक्ट क्लियर। ठीक है इतों बच्चों सी ए सम बटे ए करना बच्चों तो अपने क्या आ गया ये आ गया अपना मीन क्या आ गया मीन तो बच्चों उस तो बाद डेविएशन तो फिर बच्चों प्रोडक्ट करनी एफ आई नाल ए सम ऑफ टोटल डेविएशन आ गया बच्चों कितना जी 92 ओके तो सम ऑफ डेविएशन है ना क्लियर अबाउट मीन तो ओवर कितना बोलो जी एन आ गया क्लियर तो बच्चों कितना जी दैट इज द मीन डेविएशन अबाउट मीन। हाँ जी बच्चों हूँ अपन निकालेंगे फाइंड द मीन डेविएशन फ्रॉम द मीडियन। हाँ बच्चों मीडियन फॉर द डेटा हूँ डेटा देखो एक्स आईज ते नाले एफ आईज। ठीक है बच्चों ते ए हैगा डिस्क्रीट हाँ जी बच्चों कहना जी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी हाँ जी बच्चों जी डिस्ट्रीब्यूशन है ना डिस्ट्रीब्यूशन। हूँ बच्चों देखो मैं तुम गल दस देना भी असी निकालना कि देखो फिर उही गल है भी तुसी इहदा जिहड़ा आना ना बच्चों मीन डेविएशन अबाउट मीडियन बच्चों किन्ना आना मैं दसदा देखो पहले तो उपर आना समीशन सम ऑफ डेविएशन एफ आई नाले बच्चों एक्स आई माइनस एम ओके तो ओवर किन्ना बोलो जी ओवर एन ओवर कहना जी एन बच्चों ये है अपना क्या बोलो जी मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का फार्मूला। हूँ सब तो पहले बच्चों सानू मीडियन निकालना पैना ठीक है फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वास्ते ठीक है तो थोड़ा बच्चों आप पहले दसिया जदों थोड़े को डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा हो ना तो बच्चों मीडियन निकालने वास्ते एक नवा हाँ सी एफ कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी का यूज होंगे। ठीक है हूँ देखो बच्चों इतने पहले एक्स आई इतने बच्चों एफ आई ठीक है बच्चों हाँ जी
ए 15, अगे 21, अगे 27, 30 ते 35। बच्चों असी एक्स आई नो लिखना होंदा असेंडिंग ऑर्डर च, ये लकीली बच्चों पहले ही असेंडिंग ऑर्डर च है। ठीक है बच्चों, अगे एफ आई बच्चों कितना जी 3, 5, 6, 7 ते 8। बच्चों ये अपने को आ गया एन, एन बच्चों कितना जी समीशन एफ आई, है ना। ठीक है क्लियर, तो बच्चों सम करो 3 + 5 = 8, अगे कितना जी 14, 21, 29, पर लिखना नहीं, पहले बच्चों रिवर्स आर्डर चेक करो। ठीक है 8 + 7 = 15, 15 + 6 = 21, 26, 29, बिल्कुल सही है। बच्चों पेपर दे विच जरूर चेक करियो, क्योंकि छोटी जी गलती नाल भी क्वेश्चन खराब हो जाता सारा। ठीक है हुण बच्चों आपां लवांगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है बच्चों थोनों पता पहले 3 दिल कर लेना बच्चों 3, फिर 5 ऐड करने, ये बच्चों 8, बच्चों इस 8 च 6 ऐड करने, बच्चों ये 14, बच्चों 14 7 ऐड करने 21, बच्चों ये 21 च ये 8 ऐड करने तो ये 29। और ये गल याद रखियो बच्चों ये हमेशा आपस च मैच कर दे, जे मैच करके थोड़ा सही है। ठीक है हुण बच्चों तुसीं करना क्या, तुसीं पहले लेना n/2। ठीक है बच्चों एन कितना जी बच्चों अपने को 29 है, तो ओवर 2 किया बच्चों जी आया 14.5। हुण तुसीं बच्चों कह लेनी देयरफोर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर दैन 14.5 इज। देखो बच्चों ये देखो कि थोड़ा 14.5 कितने आया। ठीक है असी देखिए तो बच्चों अपना 14.5 बच्चों ये विचकार आया। ठीक है मतलब 14 और 21 दे, ठीक है क्लियर विचकार है, तो असी जस्ट उस तो अगली लेनी बच्चों जी जस्ट ग्रेटर दैन दिस। ठीक है जी इतने कितने बच्चों 14.5 है क्लियर, उस तो जस्ट जी अगली बच्चों आ गई। ठीक है क्लियर, तो हूँ 21 आ गया, तो इस कि जी 21 एंड द कोरसपोंडिंग वैल्यू ऑफ एक्स आई इज कि बोझो बच्चों बैक जाओ एंड द कोरसपोंडिंग वैल्यू ऑफ एक्स आई इज एंड द कोरसपोंडिंग वैल्यू ऑफ एक्स आई इज कि बोलो जी ये आई बच्चों 30। तो बस बच्चों बस यही थोड़ा क्या बोलो जी मीडियन है, क्या है मीडियन, देयरफोर बच्चों मीडियन इक्वल टू 30, तो देयरफोर बच्चों पर मोस्टली लिखते पाई एम नाल एम कि आ गया बच्चों जी इट इज़ इक्वल टू 30। हुण बच्चों असी ये हो गया, हुण तुसीं दुबारे टेबल शुरू कर दिओ। ठीक है पहले बच्चों वही एक्स आई माइनस एम ये आ गया डेविएशन, पर बच्चों लैनी कि वैल्यू बोलो एब्सोल्यूट, जे नैगेटिव आ जाए तो बच्चों नैगेटिव स्किप कर दियो। ठीक है बच्चों हुण देखो जी 15 - 30 एम 30 है किन्ना जी 30, बच्चों कितना आ गया इट इज़ 15, क्योंकि वैसे तो मैं 15 आया पर क्योंकि मैं लैनी अपने बच्चों एब्सोल्यूट वैल्यू तो प्लस आ गया। नैक्सट बच्चों जी किन्ना 21 - 30 किन्ना जी बच्चों 9, ओके इतने बच्चों आ गया अपने को 3, नैक्सट बच्चों अपने को 0, तो इतने बच्चों अपने को आ गया 5 ये आ गया। उस तो बाद बच्चों तुसी क्या करना एफ आई हाँ जी तो एक्स आई माइनस एम हाँ देखो ये निकालना आप यही देख के बच्चों तुसी टेबल बनाना फिर थोड़ा चाहिए क्या बच्चों देखो पहले सानू चाहिए एम तो बच्चों असी पहले एम निकालिया एम इज मीडियन। ठीक है फिर आप बच्चों निकालिया एक्स आई माइनस एम ठीक है बच्चों फिर आप उरी प्रोडक्ट लैन लगे एफ आई नाल तो बच्चों फिर आप निकाल के तो नीचे आप सम कर लेना वो अपने को बच्चों कि आना समीशन एफ आई एक्स आई माइनस एम द एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है हाँ जी बच्चों ये अपने को आ गया 45, बच्चों ये भी अपने को 45, बच्चों ये अपने को आ गया 18। ठीक है क्लियर तो बच्चों अपने को कि आ गया 18, बच्चों एक कि आ गया अपने को कि जी इट इज़ 0 वो क्लियर, तो नैक्सट बच्चों आ गया अपने को 40। ठीक है अगे 45, 45, 18, 0 ठीक है दिस बच्चों ए दा सम करो समीशन कि बोलो एफ आई तो एक्स आई माइनस एम इट इज़ बच्चों कि आ गया 148। तो देयरफोर बच्चों
मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। हाँ जी बोलो जी, करो बच्चों पुट फॉर्मूला। 148 ओवर कितना बच्चों जी, ओवर एन कितना बच्चों, इट इज इक्वल टू 29। ये बच्चों अपने को आ गया 5.1। ठीक है बच्चों, तो ये अपना क्या बोलो जी, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन आ गया। बच्चों मैं आस करता बच्चों कि थोड़ा मेरा लेक्चर समझ आ गया होना। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।